हाय फ्रेंड्स, आज हम एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर क्वेश्चन डिस्कशन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट 9 प्रॉब्लम्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आज आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस से रिलेटेड हैं। उम्मीद है साथियों, आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप फर्दर इस लेक्चर सीरीज में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तो आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आर इक्विवेलेंट ऑन, कि जो आपकी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो एक दूसरे को इम्प्लाई किस डोमेन के ऊपर करती है। जैसे आपका डोमेन अगर क्लोज सेट हो तो क्या उसके ऊपर कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी, या ओपन सेट हो, या कॉम्पैक्ट सेट हो, या फाइनाइट सेट हो। सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेट की बात करते हैं कि किसी सेट को हम कॉम्पैक्ट सेट कब बोलेंगे। अगर आपके पास एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है और ए अगर एक्स का सबसेट है, ए अगर एक्स का सबसेट है, एक्स डी आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है, तो इस ए को हम कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। अगर आप ए की कोई भी ओपन कवरिंग लेते हो, कवरिंग के बारे में मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में एक क्वेश्चन के अंदर बताया था, एक बार और देखते हैं। मान लो ये एक फैमिली है जी लैम्डा, और जी लैम्डा सारे के सारे ओपन सेट है, तो मैं इस फैमिली को इस ए की ओपन कवरिंग बोलूंगा। अगर आप इस फैमिली के सभी मेंबर्स का यूनियन करते हो तो उसके अंदर ए कंटेंट हो जाए। तो ऐसी ऐसी ए की हम इनफाइनाइट मैनी ओपन कवरिंग बना सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है साथियों कि अगर आप ए की हर ओपन कवरिंग को फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस कर सकते हो, फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस कर सकते हो, तो हम ए को कॉम्पैक्ट बोलेंगे। इस बात का मतलब एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर का मतलब इस फैमिली का आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ही मिले, आई फ्रॉम 1 to n, सच दैट ए आपका जो है इन फैमिली के यूनियन के, फाइनाइट फैमिली के यूनियन के अंदर कंटेंट हो जाए, तो हम ए सेट को कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट आप जानते हो जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन की करने की दो अप्रोच हैं। एक तो आप काउंटर एग्जांपल से इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर सकते हो, और एक जो आपका प्रूफ होता है, जो लॉजिकल होता है, जिससे आप कंसेप्ट को समझते हो। तो मैं दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करता हूँ। एग्जाम में मोस्टली हम काउंटर एग्जाम्पल से ही अप्रोच करते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन एफ लिया आर से सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया एक्स स्क्वेयर। जैसा कि जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आपका सेट क्लोज सेट भी है और ओपन सेट भी है, तो और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन तो होता ही है। तो ये एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज सेट के ऊपर, लेकिन ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बारे में हम प्रूफ पढ़ के आते हैं। सिमिलरली ये आर आपका ओपन सेट है, और इस सेट के ऊपर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हम जानते हैं जो कि आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो इस बात का मतलब इस क्वेश्चन के जो दो आंसर हैं वो क्लोज सेट और ओपन सेट तो नहीं हो सकते। अब बाकी ऑप्शन बचे 2, 3 और 4, कॉम्पैक्ट सेट और फाइनाइट सेट। एक इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि फाइनाइट सेट आपका कॉम्पैक्ट सेट होता ही है, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना देखकर इसको आप इस फाइनाइट सेट को एक मिनट के लिए हम स्किप करते हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट आपका कॉम्पैक्ट सेट तो होता ही है। अगर आप इस क्वेश्चन को और जनरल वे से देखें तो आप इस क्वेश्चन के अंदर 3 ही ऑप्शन अज्यूम करें, क्लोज सेट, ओपन सेट और कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि फाइनाइट सेट तो आपका कॉम्पैक्ट सेट होता ही है। तो कॉम्पैक्ट सेट के बारे में, जैसा कि हमने इन दो ऑप्शन के कोरस्पॉन्डिंग तो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है जो कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, तो कॉम्पैक्ट सेट क्योंकि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है तो इसके लिए हमें प्रूफ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका प्रूफ काफी आसान है साथियों। जैसे कि एक वन साइडेड रिजल्ट तो हम जानते हैं कि आपकी जो, अगर आपका कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है तो वो कंटिन्यूअस तो होता ही है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आपका कंटिन्यूअस तो इम्प्लाई करता ही है। हमें तो केवल कन्वर्स, जो आपका रिवर्स रिजल्ट है कि कंटिन्यूटी आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कब इम्प्लाई करेगी, वो उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके प्रूफ के लिए आप, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, एक्स डी और वाई डी डैश, आप इसके लिए कोई दो मैट्रिक्स स्पेस लेके चल पड़ो, और एफ हम कोई भी फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं जो कि आपका कंटिन्यूअस है, और एक्स डी को हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स डी आपका कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है।
तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताया है कि अगर आपकी डोमेन कॉम्पैक्ट हो और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसके लिए आपका प्रूफ की मैं आउटलाइन देना चाहूंगा। जैसा कि फंक्शन आपका इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस बोलने का मतलब एक्स के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो जैसे ही आप कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लगाओगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेन एवर डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा इंप्लाइज डी डैश ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है और ये हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एट पॉइंट एक्स के ऊपर अप्लाई की है। किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफाइन किया है कि किसी पॉइंट एक्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूटी, ये डेफिनेशन है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, जैसे कि ये जो आपका एप्सिलॉन और डेल्टा है ये आपके इस एक्स पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमें ऐसा यूनिफॉर्म ऐसा डेल ढूंढ के लाना होता है कि जो एक्स के हर एक पॉइंट के वर्क करे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपका डी एक्स वाई का मतलब है एक्स से उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस जिनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जब आप इमेज अप्लाई करो, फंक्शन अप्लाई करोगे, तो उनका डिस्टेंस एफ एक्स से एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। अगर आप इसको, उन सभी पॉइंट्स के सेट को हम बोलेंगे ओपन बोल, बोल को डिनोट करते हैं बी एक्स डेल्टा लिख देता हूं, तो बी एक्स डेल्टा इसी डेफिनेशन को ओपन बोल्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी जो इमेज आएगी, इमेज बी एक्स डेल्टा की जो इमेज आएगी डी डैश एफ ऑफ एफ एक्स एप्सिलॉन बी डैश लिख देते हैं। कि आपने अगर बी एक्स डेल्टा इस बोल से अगर आपने कोई भी पॉइंट उठाया एक्स के कोरस्पोंडिंग, तो उसकी जब आप इमेज निकालोगे उस इमेज का डिस्टेंस एफ एक्स से एप्सिलॉन से छोटा आएगा। इसको, इसी डेफिनेशन को ओपन बॉल्स की फॉर्म में हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसा कि हर एक्स के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हर एक्स के कोरस्पोंडिंग हमें ये ओपन बॉल्स मिलेंगी एफ डेल्टा, इसको डेल्टा वन लिख देता हूं मैं। आप कोई दूसरा पॉइंट अगर एक्स डैश उठाओगे तो उसके कोरस्पोंडिंग डेल्टा टू मिलेगा। तो आपके हर एक्स के डोमेन के हर एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ऐसी ऐसी ओपन बॉल मिलती चली जाएंगी। और जैसा कि हमने x को कॉम्पैक्ट अज्यूम किया है, और आप अगर हर x के कोरस्पोंडिंग ओपन बॉल बनाओगे, तो ये सारी की सारी एक तरीके से जी लैम्डा की तरह काम कर रहे हैं, जैसे हमने ये जी लैम्डा फैमिली बनाई थी। और क्योंकि ओपन बॉल आपका ओपन सेट तो होता ही है, और आप इन सभी का यूनियन करोगे तो इसके अंदर x तो कंटेंट होगा ही इन सभी के यूनियन के अंदर, क्योंकि हमने जो आपकी ओपन बॉल उठाई है वो एक्स के हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग उठाई है। अब कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन के लिए इस फैमिली का कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेंगे जिसके अंदर आपका एक्स कंटेंट होगा। वो फाइनाइट नंबर जैसे वाई फ्रॉम वन टू एन ले लेते हैं हम, बी एक्स आई डेल्टा आई, ये आपकी फैमिली मिल चुकी है जिसके फाइनाइट मेंबर्स के अंदर आपका एक्स कंटेंट हो चुका है। तो जो आपको डेल्टा आई मिले हैं इन फाइनाइट मेंबर के कोरस्पोंडिंग, इन सभी डेल्टा आईज को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इन डेल्टा आईज में जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम डेल्टा चूज कर लेते हैं। डेल्टा जो है आपका मिनिमम है इन सभी डेल्टा आईज का, जो आपको ये फाइनाइट डेल्टा आईज मिले थे। तो इस डेल्टा के कोरस्पोंडिंग आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो प्रूफ इस तरीके से मैंने आपको आउटलाइन दे दी है, प्रूफ इसका कि किसी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कोई की कंटिन्यूटी आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कैसे इंप्लाई करेगी। उसके लिए हमने कंटिन्यूटी और कॉम्पैक्टनेस दोनों का यूज करके फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी आपके पास दो स्टेटमेंट है 67, मैंने इसके बारे ऑप्शंस नहीं लिखे, आपको चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए या बी या दोनों या कोई भी करेक्ट नहीं है। पहली जो ऑप्शन है पहला जो स्टेटमेंट है एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट, कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप ये सेट ऑफ, अगर आपके पास रियल नंबर हो और आप मैट्रिक्स स्पेस अगर डी एक्स वाई अगर यूजुअल मैट्रिक लेते हो, तो वहां पर ये स्टैंडर्ड थ्योरम पढ़ते हो कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। लेकिन ये आपका केवल जब आप आर को एक्स को जब आप नॉन एम्प्टी सेट है उसको सेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर करते हो और मैट्रिक्स स्पेस को यूजुअल मैट्रिक लेते हो तभी ये चीज ट्रू है। लेकिन जब आपका जो एक्स है वो आर के इक्वल नहीं है,
या फिर आपका जो मीट्रिक है वो यूजुअल मीट्रिक नहीं है। इस बात का मतलब अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस उठाएं तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि आपकी जो कोशी सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेट उठाता हूँ 0 से 1 ओपन इंटरवल और इसकी मैं एक सीक्वेंस 1/n ली, ये सीक्वेंस आपकी इस सेट के अंदर कोशी सीक्वेंस तो है लेकिन ये इस सेट के अंदर कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि जानते हो साथियों कि 1/n आपकी 0 को कन्वर्ज करेगी लेकिन 0 तो आपके सेट के अंदर है ही नहीं। इस बात का मतलब जनरल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं होती। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, ए मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट इफ एवरी कोशी सीक्वेंस इन इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है साथियों। जो स्टेटमेंट ट्रू होती है उसके लिए हमें प्रूफ देना होता है और जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती उसके लिए तो आपका काउंटर एग्जांपल ही काम कर जाता है। अब जैसा कि हमें यहां पर प्रूव करना है कि अगर आपका कोई स्पेस, जैसा कि आपने कंप्लीट स्पेस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि जनरल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर आपकी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन जिन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है उन मैट्रिक्स स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन क्या हुई, दोज मैट्रिक्स स्पेस इन विच एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो आपकी कंप्लीट स्पेस की तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लेकिन ये बोल रहा है कि ये सेकंड ऑप्शन आपका कहता है कि एवरी कोशी सीक्वेंस की, अगर हर कोशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट कर जाए तो भी क्या फिर भी आपका स्पेस कंप्लीट बन जाता है। इस बात का मतलब हमें ये बात प्रूव करनी होगी कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस लेके चलूं और एक उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेके चलूं, एक तो मैंने कोई आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस ली, एक उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ली, और मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये आपकी आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट है, तभी आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। और इसको प्रूव करने के लिए काफी आसान सा प्रूफ है, जो कि आपकी ए एन हम कोशी सीक्वेंस अज्यूम करके चले हैं तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं कि हर रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक ऐसी स्टेज मिलेगी सच दैट एन एम ग्रेटर देन एन इम्प्लाइज डी ऑफ ए एन ए एम लेस देन एप्सिलॉन। एक तो आपको ये स्टेज यहां से मिली, एक हम कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन, ये आपकी सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज करती है तो यहां पर भी फिर से यहां पर एप्सिलॉन बाय 2 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करना है हमें। तो ये अगर आपकी ए एन की सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज करती है तो फिर से आपको एक ऐसी स्टेज मिलेगी सच दैट एन के ग्रेटर देन, इसको हम एन, ये आपका एन वन ले लेते हैं, ये एन टू लेते हैं। तो जैसा कि आपके पास दो स्टेज मिल चुकी है, ए एन आपकी कोशी सीक्वेंस थी, इस बात का मतलब एन वन के बाद की आप किन्हीं भी दो टर्म का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा बना सकते हो, और क्योंकि आपकी सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है इस बात का मतलब एन टू के बाद की सीक्वेंस की टर्म्स का आप ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा बना सकते हो। जैसा कि मुझे तो ये प्रूव करना है कि आपकी जो ए एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाए, हम ये बात प्रूव कर देंगे कि जो ए एन सीक्वेंस है वो इस ए को ही कन्वर्ज करती है, जिसको ए एन की जो सब सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती थी, ए एन जो आपकी आर्बिट्री कोशी सीक्वेंस है वो इसी ए को कन्वर्ज करेगी। इन्हीं दो का यूज करके हम हमारी जो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है उसका यूज कर लेंगे डी ऑफ ए एन ए, आप समझ पा रहे हो, डी ऑफ ए एन ए के लिए हम डी ऑफ ए एन ए एम प्लस डी ऑफ ए एम ए, और ए एम हमें इस हिसाब से चूज करना है कि ए एम आपका एन वन, जो आपका ए एम है ए एम के अंदर जो सफिक्स एम आया है वो आपका एन वन और एन टू दोनों का मैक्सिमम हो, ताकि ये जो आपका ए एम है ये इन दो कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इन एन वन और एन टू से जो इन दोनों में जो भी बड़ा होगा एम, हमें उससे बड़ा चूज किया है, ये एम इस हिसाब से चूज किया है, जो कि आपका ए एम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। इस बात का मतलब हमें एक ऐसी स्टेज मिल गई सच दैट डी ऑफ ए एन ए लेस देन एप्सिलॉन, यही तो हमें बात प्रूव करनी होती है। इस बात का मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इन ए ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर सेम। ये आपके पास फिर से दो स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट्स में से आपको चूज करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन है कि किसी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का, जैसे कि जी कोई ग्रुप है
और ए अगर उसका कोई मैंने कोई आर्बिट्री एलिमेंट उठाया तो जो ए इनवर्स की नोटेशन होती है, ए इनवर्स होता है ए की पावर -1, ये हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि आपका ग्रुप है तो ए इनवर्स भी आपका जी से ही बिलोंग करेगा। हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है। अगर ये आप प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये बिल्कुल आसान है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया एम, तो इस बात का मतलब है ए की पावर एम करने से आइडेंटिटी आएगा। अगर ई आपकी जी की आइडेंटिटी है तो जैसे कि हमें प्रूव करना है कि ए की जो ए का इनवर्स है उसका पावर एम करने से भी आइडेंटिटी आएगा, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए की पावर एम -1 इक्वल टू ए इनवर्स। फिर एक बार फिर प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो यहाँ पर ए -2 बन जाएगा, यहाँ पर ए -2। तो आप ऐसे ऐसे प्री मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी ए की ए इनवर्स -m इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस बात का मतलब है कि जो ए का ऑर्डर है, ए इनवर्स का, सॉरी, ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो आपका m या m से छोटा होगा। ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो m या m से छोटा होगा। कई बार वीडियो आपकी ऑटोमेटिक, ये मेरी वीडियो कई बार ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है, तो मैं प्रूफ जो आपका सेकंड पार्ट की तरफ चला गया था लेकिन बाद में देखा तो पता चला कि वीडियो पहले ही रुक चुकी है। तो एक बार दोबारा से जहां तक हमने पहले कर लिया था कि ए इनवर्स आपका एम के ए इनवर्स का ऑर्डर जो है आपका वो एम या एम से छोटा हो सकता है। एम से छोटा होने का मतलब कि ए इनवर्स की पावर अगर आप एम से कम करते हो तो आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाए। लेकिन जैसा कि हमने ए की पावर -1 की, -2 की स्टार्टिंग से करते आने लग रहे हैं और कहीं पर भी ये आपकी जो पावर्स हैं ये ए की पावर एम -1, ए की पावर एम -2 इसके इक्वल थी, और ये वाली साइड तो कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो हमने एम एज्यूम किया था। इस बात का मतलब जो आपके ए इनवर्स का ऑर्डर है वो आपका एम ही होगा। तो इसका मतलब आपकी जो 68 की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर m है और a की पावर n करने से भी अगर आइडेंटिटी आता है तो इस बात का मतलब आपका जो m है वो n को डिवाइड करेगा। इफ एंड ओनली इफ है, अगर आपका m n को डिवाइड करता है तो a का जो ऑर्डर होगा वो आपका m होगा। तो इस स्टेटमेंट को एक बार इस एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक ग्रुप कंसीडर किया है 1 -1 आयोटा -आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैंने इस ग्रुप का कोई एलिमेंट आयोटा उठाया। जैसा कि जानते हैं कि आयोटा की पावर आप वन से स्टार्ट करोगे तो आयोटा की पावर 4 करने से ही 1 आएगा। आयोटा का जो ऑर्डर है, आयोटा का ऑर्डर 4 है, लेकिन आयोटा की पावर 12 करने से भी आंसर 1 आता है। तो इस थ्योरम जो है, ये जो आपकी ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग 4 आपका 12 को डिवाइड करता है, वो जो कि करता भी है। तो आपकी स्टेटमेंट तो ट्रू है। इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर केवल आपको ये स्टेटमेंट समझाने के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, नहीं तो इसका भी प्रूफ जैसे हम इससे पहले वाले प्रूफ करते आए हैं उस हिसाब से ही चलेगा। एक बार तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि आपका एम एन को डिवाइड करता है। अगर आपका एम एन को डिवाइड करता है तो हम एम इन टू सी को लिख सकते हैं एन। जैसे अगर आपका 4 अगर 16 4 अगर आपका 12 को डिवाइड करता है तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। सिमिलरली अगर आपका एम एन को डिवाइड करता है तो एम इंटू सी को हम लिख सकते हैं एन के इक्वल। तो फिर से जैसा कि हमें प्रूव करना है, एक बार हम अज्यूम करके चल पड़ेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर एम है और प्रूव कर देंगे कि आपका एम एन को डिवाइड करता है। और सेकेंड सिचुएशन में हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपका एम एन को डिवाइड करता है और ए की पावर एन आइडेंटिटी है, और प्रूव कर देंगे ए का ऑर्डर जो है आपका एम है। बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, इसको आप कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि एक बार तो हम अज्यूम करेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर एम है और साथ के साथ ग्रुप का ऑर्डर आपका जो है, सॉरी, एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपका एम है और ए की पावर एन करने से आइडेंटिटी आता है, और हमें प्रूव करना है कि आपका एम एन को डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम कन्वर्स मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे कि आपका m n को डिवाइड नहीं करता, और m अगर आपका n को डिवाइड नहीं करता यहां से कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। कन्वर्स में ये अज्यूम करके चलेंगे कि a की पावर n आपकी आइडेंटिटी है और आपका जो m है वो n को डिवाइड करता है, और हमें प्रूव करना होगा जो a का ऑर्डर है वो आपका m है। ये प्रूफ बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर आपका m n को डिवाइड करता है तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू सी एम, n इक्वल टू सी एम। तो n को रिप्लेस कर देंगे हम ए सी एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से आप इसके बारे में सोचना कि इससे आगे हमें कैसे अप्रोच करना है। और ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन दोनों प्रूफ की साइडेड का मैंने आपको हिंट दे दिया है। नेक्स्ट में 69 जो प्रॉब्लम है, 69 प्रॉब्लम में आपको एक होमोमोर्फिज्म गिवन है फाइव फ्रॉम जी टू जी डैश।
होमोमोर्फिज्म इज एन आइसोमोर्फिज्म, जैसा कि अगर आपका z विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर ग्रुप है और z डैश अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश अगर ग्रुप है, तो किसी मैपिंग को हम होमोमोर्फिज्म बोलते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, फाई ऑफ ए स्टार बी अगर आपका फाई ऑफ ए स्टार डैश फाई ऑफ बी के इक्वल आ जाए। और किसी होमोमोर्फिज्म को हम आइसोमोर्फिज्म बोलेंगे अगर वो आपकी वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ये आपकी फाई होमोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म कब बनेगी, ऑन टू हमें पहले ही गिवन है कि आपकी जो ये होमोमोर्फिज्म है ऑन टू है, इसका मतलब हमें वन वन की कंडीशन चाहिए। जैसा कि वन वन की कंडीशन के लिए वन वन किसी फंक्शन को बोलते हैं कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है, इन वन वन फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। लेकिन ग्रुप के केस में एक बात तो हम श्योरिटी से कहते हैं कि आइडेंटिटी की जो इमेज आती है वो आइडेंटिटी ही आती है। अगर ई आपकी जी के ग्रुप की आइडेंटिटी हो और ई डैश अगर जी डैश के ग्रुप की आइडेंटिटी हो, तो आइडेंटिटी तो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप होगी। और कोई दूसरा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आपका आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ई डैश के ऊपर मैप हो गया तो आपका फंक्शन जो है वो वन वन नहीं रहेगा। तो इस बात का मतलब कर्नल के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आए, कौन सा, ग्रुप जी की आइडेंटिटी। तो इस बात का मतलब जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ये ट्रू है। इससे रिलेटेड आप थ्योरम भी पढ़ते हो, इसको थ्योरम के प्रूफ से थ्योरम के हिसाब से भी अप्रोच कर सकते हो। मैंने आपको वन वन के हिसाब से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना बताया है। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में आपके पास जैसे मैंने जो ग्रुप का एग्जाम्पल लिया था वो इसको देखते ही लिया था ताकि इस क्वेश्चन को हम करने आसानी महसूस हो। ये आपके पास एक ग्रुप है वन माइनस वन आई माइनस आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप इस आपका आप इस पहले इस ग्रुप को आप सारे की चेक करना कि आपका ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप को चेक करने के लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं एक इस ग्रुप को एक बार यहाँ पर लिखते हैं। जी आपका है वन माइनस वन आई माइनस आई। तो सबसे पहले तो क्या इस ग्रुप के आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो, उनकी प्रोडक्ट करते हो, क्या वो एलिमेंट आपका इसी सेट के अंदर आता है? बिल्कुल आएगा। वन की प्रोडक्ट वन के साथ वन, वन माइनस वन माइनस वन, किसी दो की प्रोडक्ट करोगे तो वो इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही। एसोसिएटिविटी भी आप चेक कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि मैं माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढनी होती है हमें, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमें ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ई ढूंढना कि जब आप उसको ए किसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ अगर स्टार ऑपरेशन से अप्लाई करो तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए, ए ही आ जाए। तो यहां पर स्टार का काम कर रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन और ए इंटू ई आपका ए आ जाए। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रोडक्ट किसी भी दूसरे एलिमेंट से करूं तो वो दूसरा एलिमेंट ही आ जाए, ऐसा तो एलिमेंट यहां पर वन ही है। तो इस मतलब इस बात का मतलब इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो आपकी वन है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कि जैसे कि जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव ए इंटू ए इनवर्स का आंसर ई आना चाहिए और यहां पर ई की जो काम करने लग रहा है वो आपका वन है। तो वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन ही आ जाए, तो वन का इनवर्स वन खुद है। माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वन आ जाए, माइनस वन को अगर मैं माइनस वन से ही करता हूं तो आपका वन आ जाता है। तो माइनस वन सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स ही खुद ही है। आई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आई को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं यानी आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल आता है, वन तो नहीं आया। लेकिन आई को अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो वन आ जाता है। इसका मतलब आयोटा का जो इनवर्स है वो माइनस आई है। सिमिलरली माइनस आई का जो माइनस आयोटा का जो इनवर्स है वो आई है। ऑर्डर, इस क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर पूछा था तो ऑर्डर के लिए हम आयोटा की पावर वन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिस्ट जो पावर होती है, जो आपकी लिस्ट पावर करने से अगर एलिमेंट का आइडेंटिटी आता है तो उस लिस्ट पावर को हम ऑर्डर बोलते हैं। आयोटा की पावर टू करने से माइनस वन आएगा, आयोटा की पावर थ्री करने से आपका ये माइनस वन आएगा, आयोटा की पावर फोर करने से वन आया। इस बात का मतलब जो आयोटा का ऑर्डर है वो फोर है। और क्योंकि आयोटा और माइनस आयोटा आपस में इनवर्स हैं और हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करके आए किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, तो माइनस आई का भी ऑर्डर इसके अंदर फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। ये बात प्रूव करनी है।
इसको तो आप बड़ी फेमस थ्योरम पढ़ के आते हो कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप तभी बनता है, जैसे अगर जी आपका कोई ग्रुप है और एच वन और एच टू अगर इसके दो सब ग्रुप हैं, तो इन दो का यूनियन, एच वन यूनियन एच टू आपका सब ग्रुप तभी बनेगा जब कोई एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो, यानी कि एच वन का आपका या तो एच टू के अंदर कंटेंट हो या फिर एच टू आपका एच वन के अंदर कंटेंट हो। लेकिन यहां पर तो केवल यूनियन के बारे में बात की है, तो सेकंड जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसके लिए आप काउंटर एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हो। मैं इसका काउंटर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसा कि सेट ऑफ इंटीजर आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनता है, ये आपका जी का काम करेगा, और मैंने इसका एक सब ग्रुप उठाया 2z, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ये आएंगे सारे के सारे। और एक इसका दूसरा सब ग्रुप उठाया 3z, इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के वो ये होंगे। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे, तो उसके अंदर 2z यूनियन 3z करोगे, तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन प्लस माइनस 1 नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस सेट को चेक करोगे कि आपका ग्रुप बनता है या नहीं करता बनता, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हो। तो मैं इस ग्रुप का अगर एक एलिमेंट 2 उठाऊं, एक माइनस 3 उठाऊं, तो आंसर आएगा माइनस 1, जो कि आपके इस ग्रुप के इस सेट के अंदर है नहीं, तो इस बात का मतलब आपका ग्रुप नहीं बनता। तो इसके लिए तो काउंटर एग्जाम्पल ही था। सेकेंड स्टेटमेंट कि यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, ये आपका बनता है कि एच वन अगर आपका एच वन और एच टू अगर दो सब ग्रुप है, तो एच वन इंटरसेक्शन एच टू आपका सब ग्रुप बनेगा। इसके लिए जो आप बड़ा इजी सा प्रूफ है, जैसा कि किसी सेट को अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम ये शो करते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अगर आपके ए और बी अगर आपके किसी सेट से बिलोंग करते हो, और एच अगर आपका जी का कोई सबसेट हो। तो एच वन और एच टू, एच वन इंटरसेक्शन एच टू को अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो आप इसके कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट लेके चलोगे, एच वन ए बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू। तो यहाँ से बिल्कुल आसान प्रूफ है, क्योंकि अगर आपका ए एच वन से बिलोंग करेगा, बी बी एच वन से और एच टू दोनों से बिलोंग करेगा, एच वन और एच टू एच आपके दोनों के दोनों सब ग्रुप हैं, तो इस बात का मतलब ए बी इनवर्स एच का एच वन से भी बिलोंग करेगा और एच टू से बिलोंग करेगा, और यहाँ से ए बी इनवर्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 72 क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। फ्रेंड्स, एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, और जिस क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी हो या फॉल्स स्टेटमेंट, उन वर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर लो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो करेक्ट स्टेटमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है। तो रॉन्ग, जैसे ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, तो इस रॉन्ग को अंडरलाइन कर लिया। अब इन चार स्टेटमेंट में से मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फील्ड, इंटीग्रल डोमेन और डिवीजन रिंग, केवल इन डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे आपका रिंग जानते ही हो आप, रिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका अबिलियन ग्रुप हो, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपकी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पांच तो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी, पांच ये प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी ये, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब आठ प्रॉपर्टीज। तो रिंग में होती है आपकी आठ प्रॉपर्टीज। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसके अंदर कि नहीं दो नॉन जीरो एलिमेंट की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो आंसर जीरो ना आए, जिसे हम बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इंटीग्रल डोमेन अपने आप में कम्यूटेटिव रिंग ही है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। डिवीजन रिंग के अंदर हम किसी रिंग के, जैसे ये दो प्रॉपर्टी थी क्लोजर और एसोसिएटिव, हम यहां पर दो प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, और एक जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी। इसका मतलब पांच, चार, एक, नौ और एक दस, दस प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन रिंग के अंदर होती हैं। फील्ड, फील्ड में आपका एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी एबिलियन ग्रुप। तो डिवीजन और फील्ड में डिफरेंस होता है केवल एक प्रॉपर्टी का, कि अगर आपकी डिवीजन रिंग अगर कम्यूटेटिव भी बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आपका डिवीजन रिंग फील्ड बन जाता है। तो जैसे कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी थी, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। एवरी डिवीजन रिंग इज ए फील्ड, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी
फील्ड के अंदर डिवीजन रिंग से एक्स्ट्रा होती है, और एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, इसका तो हम प्रूफ पढ़ के ही आते हैं कि अगर आपकी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो तो आपका फील्ड बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 73 क्वेश्चन। इफ एस एन टी आर को मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ ए कमोटेटिव रिंग आर विद यूनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले को मैक्सिमल आइडियल, जैसे आर आपकी रिंग है, एस और टी इसके कोई दो आइडियल हैं, तो एस और टी को हम को मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे कि अगर एस प्लस टी आपका आर के इक्वल आ जाए, कि अगर मैं दो आइडियल्स को ऐड करूं तो आपके रिंग के इक्वल आ जाए, तो हम ऐसे आइडियल्स को बोलते हैं को मैक्सिमल आइडियल्स। एक मैं आइडियल और सब रिंग, दो इन दो डेफिनेशन को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे अगर आपके पास आर कोई रिंग है और इसकी मैंने कोई सब रिंग एस ली है, तो सब रिंग के केस में तो हम किसी सेट इसके अगर आपको एस इसका आर का कोई सबसेट है और आपको एस को चेक करना हो कि एस इसकी सब रिंग है या नहीं है, तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि ए माइनस बी आपका एस से ही बिलोंग करे जब जब आपका ए और बी एस से बिलोंग करता हो। फर्स्ट कंडीशन तो है ये। सेकंड कंडीशन, अगर आपने सबसेट के दो एलिमेंट लिए तो उनकी प्रोडक्ट भी आपकी एस से ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर कोई सबसेट किसी रिंग का इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको सबसेट ना बोलकर हम सब रिंग बोलते हैं। आइडियल के केस में आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो यही रहती है, सेकंड में चेंज आ जाता है। सेकंड में चेंज क्या आता है कि जो हम दो एलिमेंट लेते हैं, यहां पर मैंने एस के ही दोनों एलिमेंट लिए थे, लेकिन अब एक एलिमेंट आपको रिंग आर से उठाना है, और वो रिंग आर से उठाने का मतलब वो एस का भी हो सकता है और आर का भी हो सकता है। तो अगर मैं आर के रिंग के एलिमेंट को अगर आर से डिनोट करूं और ए अगर मैं एस का उठाऊं, तो आपका जो ए आर है वो आपका एस से बिलोंग करना चाहिए, आर ए एस से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं एस को आइडियल प्रूव करना चाहूं, तो आइडियल का मतलब आइडियल की किसी सबसेट को आइडियल चेक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो तो सब रिंग वाली ही है, लेकिन सेकंड कंडीशन में जो हम दो एलिमेंट उठाते हैं उनमें से एक एलिमेंट आपका आर से हो सकता है, लेकिन सब रिंग में वो आपका जो एलिमेंट है वो उस सबसेट से ही होता है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि अगर आपके एस और टी अगर दो को मैक्सिमल आइडियल हो, को मैक्सिमल आइडियल की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि अगर एस प्लस टी का आंसर आपके किसके इक्वल आ जाए, आर रिंग के इक्वल आ जाए, तो यानी कि दो आइडियल का सम अगर आर रिंग के इक्वल आ जाता है तो उन आइडियल्स को मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको फिर से एग्जांपल काउंटर एग्जांपल से बताता हूं। मैंने आर को कंसीडर कर लिया जेड, जैसा कि जानते हैं जेड आपका रिंग बनता है, और इसके दो मैंने आइडियल ले लिए 2z और 3z, और हम जानते हैं 2z और 3z का जब आप सम करोगे तो जेड ही आ जाएगा। जेड कैसे आएगा, जेड के लिए मैं केवल ये शो कर देता हूं कि 2z और 3z के कॉम्बिनेशन से 1z प्लस 3z के अंदर एक बार इंक्लूड हो जाता है, तो z के सारे एलिमेंट ही 2z प्लस 3z के अंदर चले जाएंगे। और 1 के लिए बिल्कुल आसान सा काम है, 2z से मैंने 2 को कंसीडर किया और माइनस 2 को कंसीडर किया, और 3z से मैंने प्लस 3 को कंसीडर किया, माइनस 2 प्लस 3 का आंसर बनाएगा 1। इस बात का मतलब आपका 2z प्लस 3z से बिलोंग कर गया, और एक बार अगर 1 किसी आइडियल से बिलोंग कर जाता है तो वो आइडियल आपका रिंग के ही इक्वल हो जाता है। तो अब इन चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। जब आप 2 से पहले इन एग्जांपल से हम जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन उनको चेक करते हैं, जैसे आपने 2z और 3z लिया, और 2z और 3z का जब आप इंटरसेक्शन करते हो वो तो 6z आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो 2z के भी, 2z में भी और 3z में भी हो, वो तो 6 के मल्टीपल हुए। ये आपका आर के इक्वल, रिंग के इक्वल, जो आपकी रिंग जेड के इक्वल थी उसके इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट है। एस और टी की मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट तो आपका एस से लाया है और दूसरा एलिमेंट टी से, उन दोनों की मल्टीप्लाई की है, तो जरूरी नहीं वो भी आपका आर के इक्वल आए। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर 1 तो आएगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट आप 2z और 3z का ढूंढ नहीं सकते कि उन दोनों की प्रोडक्ट करूं तो वो 1 आ जाए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, 2z और 3z का आप यूनियन करते हो, 2z और आपने 3z का यूनियन किया, तो उसके अंदर सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 3 भी होगा 2z और 3z के अंदर, तो यूनियन के अंदर तो 3 भी होगा 2 भी होगा, लेकिन st जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 2 नहीं होगा इसके अंदर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप काउंटर एग्जाम्पल से भी कर सकते थे, ये ऑप्शन आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इसका प्रूफ चलेगा।
लेकिन जैसा कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, हमें मोस्टली क्वेश्चन को काउंटर एग्जाम्पल से ही एलिमिनेट करना होता है, और कुछ रिजल्ट्स हमें याद होते हैं तो डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन का आंसर उसको टिक करके आते हैं। 74 क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ आर इज यू एफ डी देन सो इज आर एक्स, इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी देन एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर एक्स इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो यू एफ डी होता है, यू एफ यू का मतलब यूनिक, एफ का मतलब फैक्टराइजेशन, और डी का मतलब डोमेन। ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसमें हर एक एलिमेंट के यूनिक वे से फैक्टर किए जा सकते हो, उसको बोलते हैं हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। एक डेफिनेशन है इरिड्यूसिबल एलिमेंट की। इरिड्यूसिबल एलिमेंट, किसी एलिमेंट ए को हम, जो कि आपका ना तो नॉन जीरो हो और ना ही आपका नॉन यूनिट हो। नॉन यूनिट का मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट ना करता हो। एलिमेंट को अगर आपको चेक करना हो कि वो आपका यूनिट है या नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको चेक करना है कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं नॉन यूनिट। तो किसी एलिमेंट को अगर आपको इरिड्यूसिबल एलिमेंट चेक करना हो, तो ऐसा एलिमेंट जो तो ना तो नॉन जीरो हो ना नॉन यूनिट हो। सेकंड, उसके अगर दो फैक्टर की, अगर उस ए को दो फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा जाता हो, तो बी और सी में से कोई ना कोई एक पक्का यूनिट हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे ए एलिमेंट को हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट बोलते हैं। और जो आपकी इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल की डेफिनेशन होती है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल जिस पॉलीनोमियल को फर्दर नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल की फैक्टर्स में ब्रेक ना किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल। आइंस्टीन क्राइटेरिया हम किसी पॉलीनोमियल को चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर वो हमारा क्राइटेरिया उस पॉलीनोमियल के ऊपर अप्लाई होता है, तो हमें रिजल्ट दे देता है कि आपकी पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल होगी या नहीं होगी। इरिड्यूसिबल का मतलब, मैं एग्जांपल से अगर आपको बताऊं, 2x+3, इस पॉलीनोमियल को आप फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि x²-4 को आप ब्रेक कर सकते हो x-2 × x+2, इस पॉलीनोमियल के दो फैक्टर बन गए, तो इसको तो बोलेंगे हम रिड्यूसिबल पॉलीनोमियल। इसको हम दो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पाए, तो ये आपकी पॉलीनोमियल है इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल। तो किसी पॉलीनोमियल को चेक करना हो, जरूरी नहीं कि एक ही डिग्री वाली पॉलीनोमियल आपकी इरिड्यूसिबल हो। जैसे x³-3, ये भी आपकी पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू। ओवर क्यू, क्यू आपका सेट ऑफ फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। तो किसी पॉलीनोमियल को आपको चेक करना हो कि आपकी पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है या नहीं है, तो एक टेस्ट तो हम आइंस्टीन क्राइटेरिया पढ़ते हैं। लेकिन आइंस्टीन क्राइटेरिया आपका नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये आपको इस बात की जानकारी नहीं देता कि अगर ये अप्लाई नहीं होता है या इसकी कंडीशन को कोई पॉलीनोमियल सेटिस्फाई नहीं करती है, तो पक्का इरिड्यूसिबल नहीं होगी। ये तो आपकी सफिशियंट कंडीशन है, अगर कोई इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो पक्का इरिड्यूसिबल होगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी थी इन फोर्थ ऑप्शन में, तो आपकी जो फोर ऑप्शन है, जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, वो आपकी रॉन्ग है, और बाकी तीनों की तीनों आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि आर अगर आपका यूएफडी हो, तो आर एक्स यानी कि वो सारे की सारी पॉलीनोमियल्स जिसके जो कोफिशियंट है वो आर से आने लग रहे हो, जब आर के एलिमेंट सारे के सारे यूनिक वे से फैक्टराइज किए जा सकते हैं, तो आर एक्स के भी यूनिक वे से फैक्टराइज किए ही जाएंगे। ऐसे ही आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। जैसे सेकंड ऑप्शन है, अगर आपका आर इज इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी देन एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर एक्स इज एन इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल, कि अगर आपका आर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो, तो इरिड्यूसिबल एलिमेंट आपका आर एक्स के अंदर ही इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल बनता है। इस कंसेप्ट को आप, इन दो ऑप्शन को अच्छे से माइंड में क्लियर तब कर सकते हो जब आपके माइंड से इरिड्यूसिबल एलिमेंट और इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल की स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो। जैसे आर एक्स इरिड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में बताया मैंने, जब जब उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक किया जाता हो, तो उनमें से कम एक पक्का यूनिट हो। और इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल की डेफिनेशन है कि जब आप उसको दो फैक्टर, दो नॉन कांस्टेंट, जैसे कि 2x+4 लिखा मैंने, 2x+4 ये पॉलीनोमियल ही, इस बात को भी समझ लेते हैं, 2x+4 है, 2x+4 को लिख सकते हैं हम 2 × x+2। अगर आप इस पॉलीनोमियल को ओवर आर कंसीडर करते हो, ओवर आर का मतलब फील्ड ऑफ रेशनल के ऊपर कंसीडर करते हो, तो ये आपका इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। जैसे 2x+4 को मैंने दो फैक्टर में ब्रेक तो किया, लेकिन 2 आपका यूनिट है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी है और इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल भी है।
सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। लेकिन जब आप इस पॉलीनोमियल को ओवर जेड कंसिडर करते हो, तो जब आप इसके दो फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, तो ये अब आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको दो फैक्टर में ब्रेक किया और टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उम्मीद है साथियों आपको ये भी ऑप्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।